Brought to you by Physics Wala. बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में निर्माणाधीन अगुवानी पुल मामूली आंधी भी नहीं झेल सका। करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल शुक्रवार को धराशायी हो गया। हालांकि इस हादसे में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की क्षति जरूर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का ढांचा गिरने के दौरान कई लोगों की जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल, अंचल अधिकारी शंभू शरण राय और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मौके पर पहुँच गए। मौके पर पहुंचे जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल ने इस पुल के निर्माण को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुल के निर्माण में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। अगुवानी पुल का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं था। भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि मामूली सी आंधी और बारिश में पुल का ढांचा गिर गया। विधायक का कहना है कि वे पहले भी अगुवानी पुल का निरीक्षण कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने का निर्देश दिया था। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया। वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावाएंगे। सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जाँच करावाएंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको पछड़ी नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और जिसके गलती से ये ऐसा हुआ है उसको छोड़ा देंगे। पहले भी सर पुल का आपने जांच किया था, निरीक्षण किया था, क्या हाँ तो गुणवत्ता जो उसमें गुणवत्ता में हम लोग बालू में देखे थे कि गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है। हमने उस वक्त जो थे मैनेजर उनको भी कहा, इंजीनियर को भी कहा, उन्होंने कहा था कि ये बालू डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको छान के थी चाल के लगाते हैं और ऐसा हमारा केमिकल यहाँ सब है उससे जमच करके लगाते हैं। लेकिन अभी तोड़ के देखिएगा तो बीच बीच में मिट्टी आपको मिलेगा, तो जो छुटा हुआ है देखे थे बीच में मिट्टी मिला उनको। तो क्या लग रहा है सर ये गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं? गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है। और अभी हम क्या बोले, एक्सपर्ट उसके अलग हैं तो एक्सपर्ट आएंगे तो और विशेष तो पूरे पुल का जांच करवाएंगे हम लोग। सांसद प्रतिनिधि पवन केसान ने भी कहा है कि अगुवानी पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने पर बांका सांसद गिरधारी यादव को सूचना दे दी गई है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि पुल की जांच की जाएगी। जब तक गुणवत्तापूर्ण पुल नहीं होगा तब तक पुल निर्माण कार्य बाधित रहेगा। इसकी जांच अधिकारियों से कराई जाएगी। महोदय को यहां से मैंने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और सांसद महोदय ने बहुत ही अफसोस व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही हकीकत पता चल पाएगी। लापरवाही हुई है और जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मतलब उनके द्वारा कही गई है कि करवाई जाएगी। इसलिए लोग आश्वस्त रहें कि पुल जब तक पूर्ण रूप से मतलब अपनी गुणवत्ता से नहीं बनेगा तब तक इस पर परिचालन और निर्माण रुका रहेगा और जब ये पूरी जांच हो जाने के बाद फिर से पुल का निर्माण होकर जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की है। बता दें कि अगुवानी पुल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक। गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी सुल्तानगंज पुल पर करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी कुल लंबाई करीब 3.160 किलोमीटर है। इस पुल की आधारशिला 23 फरवरी 2014 को खगड़िया जिले के परबत्ता में सीएम नीतीश कुमार ने खुद रखी थी। 9 मार्च 2015 को उन्होंने पुल निर्माण का काम शुरू करने के लिए उद्घाटन किया था। खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से 4 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड का निर्माण चल रहा है। अब देखना होगा कि जांच मुकम्मल कब तक होती है और पुल निर्माण के दौरान हुई गड़बड़ियों की वजह का पता कब तक चल पाता है। लेकिन ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया एक और पुल और फिर हो गई सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की क्षति।